चीची हेलो हेलो हेलो, चीची तो नहीं सुन रही। और ये गोलू, ओ भाई ये मैंने पहले भी इसको देखा है, लगता था ये वही वाली पे जाए। तो हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज महेंद्र, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। टुडे इज 16th of November और आज अभी मैं हूँ कानपुर, क्योंकि मैं अभी आया हूँ थोड़ा सा पर्सनल काम के लिए। उसके बाद हम थोड़ा बहुत प्लान बनाते हैं, शॉपिंग वगैरह थोड़ा करना है, क्योंकि दो दिन बाद यानी कि 18th of November को मेरा फ्लाइट है ले के लिए, और कल मैं निकलूँगा दिल्ली। तो क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी लद्दाख वापस, तो कुछ वार्म कपड़े भी चाहिए, तो हम सबसे पहले पर्सनल काम फिनिश करेंगे एंड देन उसके बाद कुछ मार्केटिंग करेंगे, कुछ वार्म क्लॉथ भी लेना है। तो चलो पहले मैं निकलता हूँ, पहले अपना जो काम है पहले वो उसको ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आगे। तो भाई ऑटो से अभी आ रहा था और जैसे ही मैं बैठा था पीछे, तो जैसे ही उतरा तो ये टूट गया यार, ये देखो अभी इसको बांधा हुआ है। तो अभी जिस काम के लिए आया था वो काम तो कर लिया है फिलहाल, अभी देख रहा हूँ कुछ खाने वाने को मिल जाता है तो पहले वो खाता हूँ, फिर देखता हूँ आगे का प्लान। तो भाई शेक का दुकान तो देख गया, बस फिलहाल यही सोच रहा हूँ इसी को खा, मतलब कि पी भी लेता हूँ, तो उसके बाद निकलता हूँ आगे। तो भाई अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ना, तो यहाँ पर पुरानी यादें भी हमारी ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि करीब आज से 5 साल पहले हम यहाँ पर कोचिंग वगैरह करते थे और इस तरह हमारा हॉस्टल रहता था, और जब भी हमको आना रहता था तो यहाँ पे जो चौराहा है यहाँ पे इस तरह हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, यहाँ से हम लोग ऑटो लेके निकलते थे। और अभी यहाँ पे मैंने अभी जूस वगैरह पिया, शेक पिया, तो वो उस तरफ था। और जब भी हमारा मतलब कि ब्रेकफास्ट होना होता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ इसी चौराहे पर आते थे और बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते, देन उसके बाद कोचिंग वगैरह निकल जाते थे। अपन ने शेक वगैरह पी लिया और बस अभी निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मैं आ गया हूँ मॉल जेड स्क्वायर में, और ये देखिए इसकी डेकोरेशन देखिए, जब भी मैं हर बार आता हूँ ना इधर पे जो डेकोरेशन होती है कुछ ना कुछ इतना यूनिक होता है ना, जो इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। फ़िलहाल अभी मैं करूँगा फटाफट से शॉपिंग और देखते हैं अभी क्या क्या लेना है। एक बार बस आप ये डेकोरेशन देखो, मतलब क्या ही गजब का बनाया हुआ है। भाई अभी टहलते टहलते थक गया हूँ, और इतना सर्च करने के बाद फ़िलहाल अभी एक पैंट और शर्ट लिया, और अभी तो हल्का सा भूख लगा है, तो ये ऊपर दिख रहा है ना, पहले ऊपर जाऊँगा कुछ खाऊँगा और उसके बाद फिर देखता हूँ अभी और क्या लेना है। देखो एक तो इतने सारे ऑप्शन हो गए ना, सामने लगा है बर्गर किंग, इस तरफ पिज़्ज़ा, उस तरफ KFC, इस तरफ मैकडोनल्ड, अभी इतना कन्फ्यूज़ हो गया ना, अब देखता हूँ पहले क्या खाया जाए। मैंने मंगाया मीडियम मैक वेजी, तो ये वाली शॉप कानपुर की फेमस शॉप है, ये ठग्गू के लड्डू। एक्चुअली जो एक मूवी आई थी बंटी और बबली, तो उसी मूवी का जो शूटिंग हुआ था ना वो इसी शॉप में हुआ था, इस वजह से ये वाली थोड़ी सी दुकान और फेमस हो गई। और इसके बगल में है बदनाम कुल्फी जो मेरी बहुत फेवरेट है, जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ ना तो हमेशा ये बदनाम कुल्फी ज़रूर खाता हूँ। लेकिन अभी क्या है, मैं एक ज़बरदस्त मील लेके आया हूँ तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, इस वजह से मैं इसको तो अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, नहीं खाऊंगा। तो अभी आ गया हूँ घर और अभी मुझे काफ़ी सारे काम करने। फ़िलहाल मैंने क्या किया है कि ये कुछ कपड़े थे वो प्रेस वगैरह कर लिया, इनको एक जगह रख दिया, और जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितना भी इक्विपमेंट है वो सारा चार्ज पर लगा दिया है, ये सब तो चार्ज हो गए। फ़िलहाल पावर बैंक को लगाया उधर पर चार्ज के लिए, और बस ये भी पूरा चार्ज कर लिया है। ये सारा सामान अभी बस इस बैग में जाएगा, और जो दूसरा वाला बैग है वो भी ऑलमोस्ट मैंने पूरा पैकिंग कर लिया है, और बाकी का जो भी प्लान रहेगा वो अब कल जो नेक्स्ट ट्रिप रहेगी तभी रहेगा, क्योंकि कल मैं निकलूँगा दिल्ली के लिए। तो अभी जो इस ये जो आज का ब्लॉग है इसको करता हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।